आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि ये सदी भारत की है और इस भारत की सदी में 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। दूसरे कार्यकाल के पहले साल में धामी सरकार के फैसलों ने एक नई मिसाल कायम की है, जिनसे आज उत्तराखंड संवर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की दिशा में बढ़ाए मजबूत कदम। युवाओं के हितों को समर्पित सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं पर किया कड़ा प्रहार। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून बनाकर देश में बना पहला प्रदेश। नकल का कानून और जो माफिया गिरोह संगठित होकर इस काम को करते हैं, उनको उम्र कैद तक की सजा का हमने प्रावधान किया है। जबरन धन परिवर्तन रोकने के लिए बनाया सख्त कानून। महिला सशक्तिकरण को मिल रहा बढ़ावा। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय संस्थानों की सुविधा, जिससे मिलेगा स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन। गरीबों के लिए साल में 3 गैस सिलेंडर किए मुफ्त। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिर क्षेत्रों के विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन को दी मंजूरी। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, देश का अग्रणी राज्य बनाना। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने के लिए मजबूत पर्यटन पॉलिसी लाई सरकार। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगा रहे चौपाल। अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के दे रहे आदेश। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण। सौर ऊर्जा, कृषि, उद्यान, पशुपालन और अन्य सेक्टर्स में हो रहा तेजी से विकास। धामी सरकार का एक साल बन रहा नई मिसाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज चार धाम यात्रा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बता दें कि चार धाम यात्रा से जुड़ी इस बैठक में पुलिस, पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य के साथ कई विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों को चार धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जो भी श्रद्धालु देश विदेश से उत्तराखंड आएंगे, सभी को दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। अगर किसी श्रद्धालु का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा पर होटल बुक करा चुका होगा तो उन्हें भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। देखिए, चार धाम यात्रा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हों, आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार से भी कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो। और पिछले वर्ष से भी और ज़्यादा इंतजामों पर ध्यान दिया गया है। जो पिछले बार कुछ काम और करने थे उनको इस बार प्राथमिकता से करवाया गया है और लगभग 7 लाख से ज़्यादा अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने यात्रा में यह भी तय किया है कि जो स्थानीय लोग हैं वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धामों के दर्शन करने जाते हैं तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन या कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। और वहीं जो भी यात्रा में आ रहे होंगे, देश भर से, विदेशों से जो भी श्रद्धालु आएंगे, जिनके होटल, रेस्टोरेंट या होम स्टे या कहीं पर भी अगर उनकी पहले से बुकिंग हो गई है तो वो रजिस्ट्रेशन उनका उसी समय करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की उनको ले कोई बाध्यता नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर अचानक काशीपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी यहां गिरिताल रोड स्थित वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहलतोड़ी के निवास पर आए थे। मुख्यमंत्री धामी के अचानक आगमन से यहां प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। दरअसल पहले से सीएम का कोई कार्यक्रम तय नहीं था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रामनगर में G20 की बैठक में शिरकत करने आने वाले थे। इस बीच बता दें कि वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहा था। सीएम धामी कैलाश गहतोड़ी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उनके निवास पर पहुंचे। आनन फानन में प्रशासन ने सीएम की अगवानी की। सीएम धामी यहां स्टेडियम में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे यहां पर रामनगर में G20 राउंड द टेबल जो आज मीटिंग शुरू होने वाली है वो अपने आप में पूरे भारतवर्ष की जो 5 प्रमुख मीटिंगें होने वाली हैं उसमें से एक है और PSA लेवल की ये बैठक है जिसमें G20 के सभी देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ
ये पहले हमको उन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बैठकें उत्तराखंड राज्य को दी, इससे संपूर्ण हमारा जो परिवेश है संपूर्ण विश्व के अंदर जाएगा, हमारे यहाँ की संस्कृति जाएगी, हमारे यहाँ की कॉर्बेट जाएगा, आसपास के क्षेत्र जाएंगे, यहाँ की विशेषताएँ जाएंगी, तो निश्चित रूप से हमको ग्लोबल होने का मौका। आगामी चार धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग में युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि आगामी चार धाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है, जिसके तहत पूरे कार्यालय को ही हरे रंग से कलर किया जा चुका है, ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश की जितनी भी परिवहन कंपनियां हैं सभी से वार्तालाप का दौर जारी है। सुनील शर्मा ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा में 11 इन्फोर्समेंट की टीम तैनात रहेगी, जिससे 5 टीमें एक्टिव मोड पर आ चुकी है। इसके साथ ही 4 इंटरसेप्टर्स के तरह भी निगरानी की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियों को जानता है और हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। सबसे पहला कि हमने अपने ऑफिस स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं, जैसे कि ग्रीन कार्ड बनाने के लिए तो हमने अपने ऋषिकेश ऑफिस के अंदर ग्रीन कार्ड का पूरा सेंटर बनाया है, और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि हमने उस सेंटर को ग्रीन कलर से ही पेंट करवाया है, ताकि कोई भी यात्री को ऐसी समस्या ना हो कि किधर जाना है। तो एक छोटे छोटे कदम हम उठा रहे हैं। उसके साथ साथ बसों की व्यवस्था, हमने बसों की व्यवस्था के लिए जितनी भी परिवहन कंपनियाँ हमारी ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में हैं, उनसे संपर्क करके उनसे 3 बार मीटिंग करी हुई है, ताकि एक रोटेशन व्यवस्था बने और यात्रियों को आरामदायक और अच्छी बसें समय पर मिलें। इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट, हमारे द्वारा 2 तरह का इन्फोर्समेंट करा जा रहा है। एक हमारे तरह स्टैटिक इन्फोर्समेंट हो रहा है, जो कि हमारी चेक पोस्ट से हो रहा है। दूसरा, हम इसके संबंध में 11 प्रवर्तक दल लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 5 ऑलरेडी हैं, उसके अलावा 4 इंटरसेप्टर लगाए जाएंगे। इसके अलावा भी गाड़ियां हमारे यहाँ लगी जाएंगी, जो कि अब इनसे प्रवर्तन कार्य करेंगे। नगर निकाय चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों ने अब खुलकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से माहौल और अधिक गर्म करने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा नेता और नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा पर अवैध संपत्ति के मामले को लेकर कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सुनील उनियाल गामा पर एक सोशल एक्टिविस्ट ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सूचना के आधार पर साबित किया कि मेयर बनने से पहले गामा की संपत्ति कितनी थी और मेयर बनने के 4.5 साल बाद कैसे 10 गुना उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। वह भी पेपर पर इन संपत्तियों का वर्णन है, जबकि सच्चाई इससे कुछ हटकर ही होगी। गामा साहब के ऊपर बड़े गंभीर आरोप आरटी एक्टिविस्ट ने लगाए हैं। उनका ये साबित किया है उन्होंने सूचनाओं के आधार पर कि गामा साहब की मेयर बनने से पहले की संपत्तियां कितनी दिखाई गई थी, और मेयर बनने के इन 4.5 सालों में 10 गुना बढ़ गई हैं ऑन पेपर्स। और ये निश्चित ही भ्रष्टाचार का मामला, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का मामला है, और इसमें सरकार को संज्ञान लेते हुए, और आज हम पत्र भी मुख्यमंत्री को इसमें लिख रहे हैं, संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। और गामा जी को जब तक ये सारी चीज़ स्पष्ट नहीं हो जाती, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, निष्पक्ष जांच पूरी होने तक उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देहरादून स्थित प्रेस क्लब में कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत वरिष्ठ ने मेयर सुनील उनियाल गामा के विरोध में प्रेस वार्ता रखी। सोनिया आनंद रावत ने आरोप लगाकर कहा कि उन्होंने 5,32,00,000 रुपए में 11 संपत्तियां खरीदी है, जिसका बाजार मूल्य 20 करोड़ से भी ज्यादा है। कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद ने उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की है। जी हाँ, विजिलेंस में जो अभी इन्होंने कंप्लेंट की है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर विजिलेंस में कंप्लेंट जाती है तो वहां से पूरा एक्शन होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं तो ये चाहती हूँ, मैं क्या पूरी जनता चाहती है कि जो इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं, देहरादून की जनता की ही प्रॉपर्टीज थी, वो निगम की प्रॉपर्टी है तो देहरादून की जनता की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जनता को वापस मिले और उस पर कुछ अच्छी चीजें बने, पार्क बने, छोटे स्कूल्स बने, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं वहां पर, महिलाओं के लिए कुछ ऐसी चीज बने जहां पर महिलाएं अपने उत्पाद बना करके बेचें। हमें चाहिए वो जमीनें वापस।
विजिलेंस में जिन्होंने विकेश नेगी जी ने जो अभी कंप्लेंट डाली है, मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे लोग भी समाज में हैं कि जो इस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं।